फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के हेडर फीचर बताने वाला हूँ, वो भी सैमसंग फोन्स के। मतलब कि अगर आप सैमसंग फोन यूज करते हैं तो ये हिडन फीचर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। ये सारे हिडन फीचर कॉलिंग से जरूरी रिलेटेड है। मतलब कि अगर आप जब फोन आपके पास आते हैं या फोन आप लगाते हैं ना, तो इस उसमें ये काम आने वाले हैं हिडन फीचर है। क्या ये हिडन फीचर है, कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग फोन ऐप के कमाल के हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जाना है अपने मोबाइल के डायलर ऐप में चले जाना है। डायलर ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे और यहाँ चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहला हिडन फीचर है वो है यहाँ पर कॉलर आईडी और स्नैप वाला, जो सबसे बेस्ट फीचर लगता है मुझे सैमसंग फोन डायलर का सबसे बेस्ट फीचर। ये फीचर क्या करता है आप देखेंगे, जैसे इसका नाम देखेंगे कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन, मतलब कि ये कॉलर आईडी का काम करेगा और स्पैम प्रोटेक्शन काम करेगा। तो इसको आपको ऑन कर लेना, ये नेट के थ्रू काम करता है। अगर आपके मोबाइल में नेट ऑफ रहता है तो ये आपके मोबाइल में काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली की बात करें, ये काम क्या है, ये काम करता है हियर टू आइडेंटिफाई। इस जो ऐप का नाम है ना, ये हियर नाम है, ये जो अंदर से काम करती है। और इस ऐप का काम क्या है, इसका काम है, तो इसका काम ये है, ये आइडेंटिफाई करती है अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है तो उस कॉल को आइडेंटिफाई करती है, कहीं कोई स्पैम कॉल तो नहीं है। और स्पैम कॉल को जैसे कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ब्लॉक करके ऑप्शन दिया है, मैंने कर रखा है कि ब्लॉक हो जाए जैसे ही कोई स्पैम कॉल आए। और यहाँ पर दो वैरायटी दी गई है, ब्लॉक ऑल स्पैम कॉल्स एंड स्कैम कॉल, मतलब कि सारे स्पैम और स्कैम कॉल ब्लॉक हो जाए तो आप ऊपर वाले में क्लिक कर दो। और जैसा कि मैंने कर रखा है ओनली ब्लॉक हाई रिस्क कॉल, मतलब जो हाई रिस्क कॉल होते हैं ना उन्हीं को मैंने ब्लॉक कर रखा है। और वो जैसे ही कॉल आते हैं वो ऑटोमेटिक मेरे को नहीं पता चलता और ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले जाके इसको ऑन करके नीचे से यहां से चूज कर लेना है। चलो उसके बाद बात करें सेकंड हिडन फीचर की, जो कि आपको इसके अंदर मिलता है, वो बहुत ही शानदार है, वो है बिक्सबी टेक्स्ट कॉल का। आप बिक्सबी टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। टेक्स्ट कॉल एज अ फीचर होता है, इसमें क्या रहता है कि सामने वाले को जो आप बोलोगे वो उसको, सॉरी जो आप लिखोगे वो उसको सुनाई देगा और जो वो बोलेगा वो आपको लिखाई देगा। तो उसकी तरफ से ये काम करता है। मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा ऊपर, आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये काम करने वाला है। उसके बाद बात करें थर्ड जो हिडन फीचर की, वो क्या है। थर्ड जो हिडन फीचर है और बहुत शानदार दिया गया है यहाँ पर, वो है ब्लॉक कॉल्स फॉर अननोन। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी बार आपके पास अननोन नंबर से कॉल आए, कोई सा भी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं और आप अननोन नंबर नहीं उठाना चाहते तो आप उसको चूज कर लो। इससे क्या होगा, जितने भी अननोन नंबर से आपके फ़ोन आएंगे ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हो जाएंगे। बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता, इससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉल भी मिस आउट हो सकते हैं, तो आपको उसको ऑफ करना रखना चाहिए। उसके बाद बात करें फोर्थ हिडन फीचर की, जो है रिकॉर्डिंग कॉल को लेके। आज की डेट में कोई भी ऐप्स रिकॉर्डिंग कॉल नहीं दे रही है, पर आपको इसके अंदर रिकॉर्डिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है। रिकॉर्डिंग कॉल के साथ आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कर सकते हैं, जिसमें भी तीन आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ऑल्स कॉल, कॉल विथ अनसेव्ड नंबर, मतलब कि जितने भी अननोन नंबर हो, या कॉल फॉर स्पेसिफिक नंबर। आप उनको यहाँ पर डाल देंगे और उनके नंबर ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड होना चालू कर देगा, जैसे ही कॉल इनकमिंग या आउटगोइंग हो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होना चालू कर देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें फिफ्थ हिडन फीचर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो फीचर, तो वो है कॉल इन्फॉर्मेशन में जाके। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शो कॉन्टेक्ट नंबर, आप ऊपर देख रहे होंगे आपको एक हिडन सा दिख रहा है, जैसे कि नाम लिखा हुआ है कृष्णा एडम्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वहां पर नंबर शो हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा नंबर हट जा रहा है। तो मतलब कि अगर आप इसको ऑफ करके रखेंगे शो कॉन्टेक्ट फोन नंबर, तो जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा या किसी का फोन जाएगा, अगर आपके पास वो नंबर सेव है तो उसका नंबर शो नहीं होगा स्क्रीन पे। बहुत ही शानदार फीचर है यार, नहीं तो लोग क्या रहता है, कभी फ़ोन आपका किसी के हाथ में है और जैसे ही कॉल आया उन्होंने नंबर को सेव या रीड कर लेते हैं और बाद में कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट हिडन फीचर की, वो है आंसरिंग और एंडिंग कॉल्स के अंदर। तो उसके लिए जाना है आपको यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है रीड कॉलर नेम अलाउड।
तो बहुत ही शानदार फीचर है। अगर आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो ये फीचर आपको यूज़ करना चाहिए और बहुत ही शानदार है। अगर आप ऑलवेज में कर देंगे तो जब भी आपके पास किसी का फ़ोन आएगा तो रिंग बजने से पहले वो आपको बोल के सुनाएगा। अगर आपके पास नंबर सेव है तो नाम बताएगा जिसका भी नंबर सेव हो, अगर नंबर सेव नहीं है तो पूरा नंबर रीड करके आपको बताएगा। तो मैंने उसको ब्लूटूथ हेडफोन और हैंडसेट पे कर रखा है कि जब भी मैं बार हेडफोन में कनेक्टेड हो तो मुझे पता चल जाए किसका कॉल आया है, मुझे बार बार मोबाइल देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर हिडन फीचर, वो है मिनी पॉपअप। ये जो बहुत शानदार है, नहीं तो क्या रहता है कभी हम कोई मोबाइल यूज़ कोई ऐप चला रहे हैं या कुछ यूज़ कर रहे हैं और सडनली किसी का कॉल आ जाए तो पूरी स्क्रीन पे आ जाता है, जैसा कि पूरी स्क्रीन पे, फिर स्मार्ट पॉपअप, अब ये आ गया है मिनी पॉपअप। आप मिनी पॉपअप मिलता है और आपको इजीली उसको वहीं से उठा सकते हैं और वहीं से उसको मैनेज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वन जो फीचर लगता है मुझे सबसे बेस्ट इसके अंदर, वो है वाईफाई कॉलिंग। यार वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं और बहुत शानदार ये फीचर है। वो वाईफाई कॉलिंग से क्या रहता है, कहीं आपके मोबाइल की रेंज कम है तो आप वाईफाई के थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं और आपका रेंज वहाँ पर फुल मिलेगी। तो आप इसको यूज़ कर लें और आप अपनी कॉलिंग वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे अच्छे तरीके से, तो ये भी बहुत शानदार है। उसके बाद बात करें, बस यही कुछ हिडन फीचर थे सैमसंग फोन से ऐप के जिसके बारे में आपको मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।